बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे रीवा। टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं ने दिखाई नाराजगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष रीवा पहुंचे। रीवा रेलवे स्टेशन से उनका काफिला कार रैली के रूप में स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय सर्किट हाउस में वो पार्टी के पदाधिकारियों से मिले, जहां पर सिरमौर क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और टिकट बंटवारे का जमकर विरोध किया। इस बार पार्टी ने सिरमौर से राम गरीब कोल को टिकट दिया है, जिससे राजकुमार के समर्थकों में काफ़ी नाराजगी है। वहीं बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने वहां भी जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर बैठक चलती रही। अरे होगा, घबरा रहे हो आप, घबरा रहे के पास रसीद नहीं है। उसने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया, अपनी छोटी फोटो, बहन जी की छोटी फोटो लगा के बहन जी की और अपनी सीमा जयवीर सिंह की बड़ी फोटो लगा दिया। हमारे किसी महापुरुष की फोटो तक नहीं लगाया। नहीं तो क्या आपकी पार्टी के सदस्य नहीं है सीमा जयवीर सिंह? रसीद दिखा देवे, हम मान लेवे। इसको मतलब आप ये मानते हैं कि ये नहीं है वो आपकी पार्टी में? मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। तो आपकी पार्टी में और प्रत्याशी घोषित हो गई है वो, क्या मानना है? तो कैसे हो गई है मेरे को पता नहीं है। नहीं तो आपके हाई कमान ना दिए होंगे ये? अब वो क्या सबूत दिए हैं वहाँ, क्या करके लाए वो हम नहीं जानते। लेकिन तो आप नहीं मानते उनको? हाँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने अपमान किया, इसके लिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। बाकी वैसे नहीं है खिलाफ? वैसे भी खिलाफ है। उनको टिकट मिल गया तो इसलिए खिलाफ है? हाँ, टिकट इसलिए मिल गया कि हमारी पार्टी में 10 जाति ऐसी हैं जिसकी आबादी 10,000 से ऊपर है। किसको मिलना चाहिए आपकी नज़र में? किसी को भी दे दे उसके अलावा, मतलब क्योंकि देवतला विधानसभा उसकी गढ़ है बहुजन समाज पार्टी की, और उससे ज्यादा आबादी वाले लोग हमारे यहाँ लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं जी, तो क्या कार्यक्रम था यहाँ? कार्यक्रम तो पता नहीं था, अचानक वो आए, वो पता चला, हम लोग जानकारी हम लोग को हुई तो हम लोग यहाँ आए। इसके बाद वो पेशाब करने के बाद यहाँ से निकल गए, आम जनता से मिलना भी नहीं पसंद। कुछ जिंदाबाद कुछ मुर्दाबाद लगा रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद इसलिए लगा रहे थे जो गलत टिकट का बंटवारा किए। पब्लिक की नाराजगी उनसे किस विषय पे है? पब्लिक की नाराजगी वो टिकट वितरण से है, काम कोई करे टिकट किसी को दे दिया जाए, पब्लिक इसी में हो, इसीलिए तो मुर्दाबाद लोग बुला रहे हो। नेतागिरी को नजरअंदाज किया गया है टिकट देने में, ऐसे समाज सेवक और नेतागिरी को नजरअंदाज करके टिकट दिया गया। उनके हिसाब में समाज सेवी रहा होगा, जिसको टिकट दे समाज सेवी रहा होगा, हम ये कैसे कह सकते हैं? उनके निगाह में शायद अच्छा रहो। इंदौर क्षेत्र में के आप जीते हुए प्रत्याशी हैं, ठीक है, आप चुनाव जीत चुके हैं एक बार, और वहाँ से राम गरीब को किस आधार पर टिकट दिया जा रहा है? अब उनका समीकरण है, किस समीकरण के आधार पर दिए, क्या कहे, वो पार्टी के निर्णय है।